अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज है जुम्मा, तो हमने जुम्मा पढ़ लिया है और आप थंबनेल देखकर समझ तो गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई हम जा रहे हैं मासूम शाह के मीनार पर, चलते हैं भाई वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं चलकर मासूम शाह के मीनार को, और आपको भी लेके चलते हैं, आप भी एक्सप्लोर करें। तो लेट्स गो। अभी शेरी को लेना है, शेरी इज़ यूजुअल भाई हमारा दोस्त, तो उसको लेना है और साथ में चलते हैं, आप भी चले हमारे साथ, लेट्स गो। तो ये भाई फेरी आ गया है, इसने पूरे 15 मिनट जो है ना वेट करवाया। तो ये है सखर का लैंडमार्क मासूम शाह का मीनार। मीर मोहम्मद मासूम शाह बुखारी, जिन्हें सैयद निज़ामुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, मीर मोहम्मद मासूम शाह बुखारी सिंध से ताल्लुक रखने वाले 16वीं सदी के सिंधी मुसलमान मौरख थे। वो सिंध की तारीख लिखने के लिए जाने जाते हैं। तारीख सिंध, जिसे मुसन्निफ के नाम से तारीख मासूमी भी कहा जाता है, जो कि 1600 में शाया हुआ था। वो मुगल बादशाह अकबर के काबिल एतमाद लेफ्टिनेंट थे। 1595 के लगभग उन्होंने अकबर की फौज की क़यादत शुमाल मगरिब क्वेटा में सिब्बी के मजबूत गढ़ पनी अफगानों के खिलाफ लड़ाई में की, जिसके नतीजे में बलोचिस्तान मुगलिया सल्तनत में शामिल हो गया। इसके बाद अकबर बादशाह ने 1598 में मीर मासूम शाह को सिंध और सिब्बी का गवर्नर मुकर्रर किया। मासूम शाह सखर और सिब्बी के गवर्नर तो थे, लेकिन अकबर बादशाह ने उन्हें सखर का नवाब भी मुकर्रर किया। मासूम शाह का मीनार सखर शहर का सबसे नुमाया ढांचा है, जो बरसगीर पाक व हिंद में मुगलिया सल्तनत के दौरान बनाया गया था। ये यादगार मीनार सुर्ख ईंटों से बना कमोबेश मखरूती शक्ल का है, खड़ा से थोड़ा सा दूर है और इसके ऊपर एक गुंबद है जिस तक पत्थर की अंदरूनी सीढ़ियां रसाई फराम करती हैं। इसका तवाफ तकरीबन 26 मीटर है और इसकी चोटी तक 84 सीढ़ियां हैं। इसकी ऊंचाई तकरीबन 31 मीटर और इसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। ख्याल किया जाता है कि ये मीनार वॉच टावर के तौर पर इस्तेमाल होता था। मीनार के आसपास का सहन वो कब्रिस्तान है जहां मीर मासूम शाह और उनके खानदान के अफराद दफन हैं। हाँ, तो भाई अभी हम मासूम शाह के मीनार पर पहुंच चुके हैं। पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ईदगाह है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं यहाँ पे ईद की। तो ये हम बगल में खड़े हैं भाई, इधर भी दिखाओ यार, ये मीनार है। और भाई ये जो है ना अच्छी सारी ओल्ड जो है बिल्डिंग लगी यहाँ पर, अभी ये देखो यार। शेरी और मैं आ चुके हैं भाई। शेरी, अस्सलाम वालेकुम, आपने याद कर ही दिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फाइनली हम यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं, वारिस भाई ने कहा पहुँच चुके हैं भाई। इधर हम बहुत दूर से आए, सवात से आए, सवात से पाकिस्तान की, और ये मशहूर एरिया, मतलब एक सोसाइटी से। हाँ सही 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 भाई, ये जो है ना पीछे कब्रिस्तान देख रहे हैं आप, ये कब्रिस्तान भी है। और अभी मैं इधर यहाँ पे पहाड़ी पे खड़ा हूँ, पहाड़ी तो ये यहाँ पे काम चल रहा है। अभी ये मीनार है, अभी चलते हैं ऊपर मीनार पे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं मीनार के अंदर। तो शेरी आप आगे आगे चलो, नहीं नहीं आप पीछे चलो, इधर आओ इधर। ये भाई कुछ ये मंजर है एंटर होते, ये सीढ़ियाँ हैं भाई। ये खिड़की है भाई, तो ये भाई खिड़की है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर ऐसे कह लें। इतनी तंग तंग गलियां हैं, बस आ जाओ मेरे लिए मोचे। हेलो, ये जगह थोड़ा पैया का बना माल सामान दे जाते हैं, थोड़ी डेकोरेशन थे। तो भाई एक टाइम पे जो है ना वो यहाँ पर एक ही बंदे आ सकते हैं नीचे या ऊपर,
अभी हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं, ये देखें दूसरी बिल्डिंग से नज़र आ रही है। वो भाई कॉल हो गई किसी की, देखें किसी की। तो भाई फाइनली हम जा रहे हैं, भाई अंधेरा हो गया, ये पतली होती जा रही है भाई खिड़कियाँ, पतली होती जा रही है, कैसे जाएंगे भाई? ये शेर ही मेरा लाइट, ये देखो भाई यहाँ पर ये पहले खुला हुआ था, यहाँ पे बैठ सकते थे, अभी आप चलो। यार ये वापस कैसे होते हैं, ये वीडियो तो बना भाई, वीडियो बना जा, बारिश जैसा बंदा हमारा तो भाई, मैं तो ऐसे ना हो ये गिर जाए भाई, बारिश जैसे दो, लेकिन भाई करना पड़ेगा। चलो फाइनली भाई बता पड़ी आवे अने आचे री फैमिली आए, हेलो वाह पोते। तो फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, पूरा शक्कर नजर आ रहा है भाई, जगह कम है, बंदे ज्यादा हैं, चलते हैं भाई नीचे, यहाँ पे जगह कम है। ये भाई इतनी जगह है वहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे हम आए थे यार, वहाँ पूरा थक्कर नजर आ रहा है, पूरा कैमरा ये भाई कुछ ऐसे तंग सीढ़ियाँ, डर अभी डर लग रहा है, यहाँ से हम आए थे ऊपर, ये भाई जालियाँ लगी हुई हैं इसलिए वीडियो, हाथ ऊपर बढ़ा रहे हैं भाई, आधे में ही रुक जा रहे हैं, अभी मुंह हमारा जो है ना वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो नहीं रहा नज़र आ रहा है। ये कुछ ऐसा है, ये शेरी हमारे खड़े अंदर मीनार के, यहाँ पे चौकीदारी देते हैं यार, रात को कोई भी यहाँ पे आर्मी वगैरह जंग करने आती है ना तो यहाँ से नज़र आता है, पूरा शक्कर नज़र आया है। वो देखिए वो 66 डोर्स बैराज, भैया अभी लोग आ रहे हैं बहुत, अभी चलते हैं नीचे भाई, चलो चलो नीचे। लास्ट टाइम ये आपको दिखाते चले कि ये हमारा रोड़ी साइड शक्कर रोड़ी, ये सिटी है सारी, ये मौसम में आ रहा है, खास बात यही है कि ऊपर से आके हम पूरे शक्कर का नज़ारा देख सकते हैं, लाइक बुर्ज खलीफा। नीचे या ऊपर जाने के लिए सिग्नल देना पड़ता है, फिर भाई नीचे या ऊपर आ जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि भाई एक टाइम पे जो है ना एक ही बंदा आ सकता है या जा सकता है। वारिस भाई हमें सिग्नल देना पड़ेगा नीचे, वारिस भाई जैसे एक ही बंदा बड़ी मुश्किलों से चढ़ता है, जैसे कि अभी वारिस भाई फंस फंस के गिर गिर के पता नहीं कैसे लेट पेट करके आ रहे थे। आवाज़ बंद करो बाबा, नहीं कैमरा बंद करो, अधान हो रही है। शोल्डर कितनी जगह ना, ये दीवारें सीढ़ियाँ देखो भाई कितनी छोटी, इधर लाइट भी लगी है, बड़ी बात है। पिछली बार मुझे यहाँ पे चोट लगी थी, मुझे भी चोट नहीं, मुझे चमड़ा वो होता है ना एकदम कादर, बैटमैन कहते हैं भाई, बैटमैन कहते हैं, बैटमैन तो वो मेन है ना, वो मेरे कपड़ों में चिपक गया था, वो भाई उतरना बड़ा मुश्किल है, वेट करो भाई वेट करो, लोग जा रहे हैं।
ये देखो इधर ऊपर से भी लोग आए, जल्दी आ जाओ। सुरंग है, सुरंग भाई नजर नहीं आ रही, सीढ़ियां कहां हैं? फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का जो ये बने है ना, ये वेटिंग एरिया है ऊपर जाने के लिए, और सिग्नल एरिया है। ग्राउंड फ्लोर ठीक है, यहाँ पे अभी हम नीचे आ गए। देखो देखो गंदा कैसे बैठा है, वो तो बैठेगा ना। कितने लोग आ गए थे भाई, कोई मैनेजमेंट नहीं है, मेरे क्या यार 5-10 बंदे एक टाइम तोड़ने चाहिए। सिनेमेटिक शॉट्स के लिए भाई कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है हमें? ये भाई यहाँ पे कांटे बिछे हुए हैं हमारे लिए भाई। अभी हम जो है ना मीनार से साइड पे ईदगाह की साइड पे आ गए हैं, अब यहाँ पे पिक्चर शिक्चर लेते हैं, और इंशाल्लाह पिक्चर में जो है ना वो व्लॉग में एडिट ज़रूर करूँगा। सॉरी भाई, आ जाओ यहाँ पे निकाल पिक्चर इधर भाई। ओ हेलो कैमरा मैन। अब भाई जो है ना वीडियो जो है ना कंप्लीट आ रही है, ये मीनार और ये गुंबद के लिए भाई। अभी मुझे पता नहीं क्या है लेकिन भाई थंबनेल के लिए भाई भाई के पैर में जो है ना वो कांटा पड़ गया है, देखा कांटा निकाल दिया जी। तो अभी थंबनेल के लिए भाई नीचे आए हैं, पहाड़ों से उतर के यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे नहीं है लेकिन वहाँ पे कांटे हैं। अभी यहाँ से हम थंबनेल लेंगे और भाई फिर चलेंगे घर को। खाना वाना नहीं खाया शेरी ने भी, मैंने भी, तो भाई खाना वाना खाएंगे। वैसे भूख तो नहीं है मुझे, तो खाएगा क्या? मुझे तो नहीं। चलो बाहर खिलावा हमें, फिर भूख लग जाएगी, लग जाएगी भूख सुबह। तो भाई अभी हमने थंबनेल और बहुत सारी इंस्टाग्राम के लिए पिक्स जो है ना वो निकाल लिए शेरी ने भाई, थैंक्स टू शेरी भाई ने पिक्स निकाली। कांटे भी खाए पैरों में यार हमारे लिए, सॉरी भाई कोई बात नहीं। तो अभी हम चलते हैं बाहर भाई, चलते हैं अब निकलते हैं यहाँ से, रात होने वाली है, असर हो गई है सर्दियाँ है ना, तो पता ही नहीं चल रहा भाई। हमने वहाँ से आए हम जदोजहद करके, कांटे भी खाए शेरी ने, यहाँ से पता ही नहीं था सीढ़ियाँ भी हैं। ये भाई पिक्स निकालते हैं। तो अभी हमने भाई एक्सप्लोर कर लिया है मासूम शाह का मीनार, हमने तो पहले ही एक्सप्लोर किया था, अभी आपको भी हमने एक्सप्लोर करवाया है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब कर दिया करें।